अच्छा नहीं लग रहा था यार, जो जवान लड़का था, 17 साल उम्र है, 17 भी पूरी नहीं थी, मेरे को लग गई तलब मीठेगी। तो ठीक है, हम करते हैं मोमोज ट्राई। अभी अपने पहुंचेंगे पहले कुलबट्टा, जहां अपनी रानी 7 या 8 खड़ी थी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप पिछले व्लॉग में देख गए होंगे कि क्या कहते हैं, जो मेरे साथ वाला करण है, उसका भतीजा जो है ख़त्म हो गया है, तो उसका जो है आज संस्कार भी है, वहाँ भी जाना है, और अपन को थोड़ा सा काम है, किच्छा अपने वहाँ जा रहे हैं, और बाबा मुझे लेने आ गया बाहर। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। अभी नहाया इसलिए नहीं है, रात भी मैं वहीं रह गया था, नहा नहीं पाया था, इसलिए जाना, क्योंकि अभी संस्कार में जाऊंगा तो वहाँ से आके नहाना होता ही है कंपलसरी, आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली लोगों को। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं फिर। तो दोस्तों, अपने निकल चुके हैं, पिताश्री ने दुकान की लिस्ट जो है पकड़ा दी है, बोले जो है लाला जी को देते हुए जाना। हमने बोला ठीक है, जो आज्ञा महाराज, देते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है, सुबह सुबह नहा धो के बाबा जी पहुंच गए। भैया देखो, कोई मजाक नहीं बनाएगा हमारा, साफ सीधी बात। अब हमें थोड़ी पता है यार, जो ऑडियंस हमें देख रही है, तुमने भी नहाया धोया है। मैं तो भाई टोपी वोपी पहन के पूरी आ रहा हूँ, पूरा क्लियर, पूरा बिल्कुल क्लियर हो गए चल रहा हूँ मैं। ये मैंने स्पेशल ली थी 2 डोरियों वाली, बहुत पहले ले ली थी मैंने, ये पहनता नहीं था, एक आध दिन का ही पहन ली। तो ठीक है दोस्तों, अपने निकल चुके हैं, जा रहे हैं लालपुर संस्कार में, देखते हुए चलेंगे, अगर अभी ले गए होंगे तो अभी रुकेंगे, नहीं तो फिर अपने पहले किच्छा का अपने काम निपटाते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, अपन आ गए मेन मार्केट किच्छा में, हमारे किच्छा शहर की मार्केट है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ था, क्या कहते हैं, जो जैसा कि जो वाक्या हुआ था अपने साथ वाले के भतीजे के साथ, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उनका संस्कार होना था, वो अभी रुक गया है। वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके फादर साहब जो हैं बेंगलोर हैं, बेंगलोर से वो फ्लाइट में आएंगे दिल्ली, और फिर वहाँ से आएंगे सीधा यहाँ अपने किच्छा, मतलब कि लालपुर अपने शहर उधम सिंह नगर। तो टाइम लग जाना शायद से, जो कि मॉर्निंग में ही होगा नेक्स्ट डे। बहुत माहौल ऐसा हो रखा है घर का, आपको पता ही है इन सब चीज़ों में कैसा होता है। बाकी अच्छा नहीं लग रहा था यार, जो जवान लड़का था, 17 साल उम्र है, 17 भी पूरी नहीं थी, मतलब 17 में लगा था, 16 पूरे हुए थे उसे, 17 में लगा था, बहुत छोटा बच्चा था, क्या बोले अब, भगवान जो है उसे अपने चरणों में वास दे। बाकी हम जो है पीछे आ गए हैं, हमारा थोड़ा सा काम था। तो दोस्तों, अपन आए थे उत्तम नगर गुरुद्वारे तक, आप देख सकते हैं अब अपने निकलने लगे हैं यहां से। तो दोस्तों, अपने निकल चुके हैं उत्तम नगर से, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी अपने पहुंचेंगे पहले कुलबट्टा, जहां अपनी रानी 7 या 8 खड़ी थी, उसके बाद अपने जाएंगे घर की ओर, पहले पड़ेगा किच्छा, फिर आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो है बॉडी में करंट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है वो मैं ही समझ सकता हूँ, तुम समझ सकते हो क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो बाबू पूरा समझ सकता हूँ तेरी बॉडी में क्यों करंट नहीं आ रहा है, इधर तो सब इधर तो ट्रांसफार्मर भी फूक गया। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर फूका नहीं है, लेकिन बिल्कुल लेवल जो है नेक्स्ट लेवल हो रखा है। कहानी मेरी सही है मतलब कुल मिला के, लेकिन ये अगर कहीं जाना पड़ेगा 2-4 दिन 10 दिन काट लेंगे जी। मतलब मैं सही हूँ कुल मिला के, अब सही हो गया, मतलब वाइब मेरी मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, पर वो करनी जरूरी भी थी क्योंकि मुसीबत जो है बता के नहीं आती है। तो ठीक है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। अभी से हो रहा है कोहरा, धूप जो है आज बिल्कुल ऐसे आई थी, बस वो ये जताने आई थी कि हाँ इस संसार में मैं हूँ, बस
उसके बाद मौसम जो है ऑसम। ओहो मेरी बात सुन। तो दोस्तों अपनों को लग रही थी भूख, अपनों ने जो है राइस लगवाए, फ्राइड राइस। बाकी क्या कहते हैं, मैं तो देख के आया हूँ कि मोमोज अगर बढ़िया हैं तो मैंने बोला एक हाफ मोमोज भी लगा दो, फिर जो है राइस वाइस खा के जो है मौज लेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं मोमोज ट्राई। खाली वो टोपी बना सकते हैं ना, टोपी पहना सकते हैं मतलब केजरीवाल वो तो मफलर में। देखो तो दोस्तों अपन जो है किच्छा रखे थे, जैसे कि आपको बताया राइस वाइस खाई, अपने दो भाई आ गए थे, अपने प्रेमी, प्रेमी बोले तो अपनों को प्यार करने वाले, तो अपने छोटे भाई थे बड़े भाई थे, बोले भैया फ़ोटो खिंचाएंगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं खिंचाएंगे, नहीं खिंचाएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े से तुम्हारा भाई रहता बहुत दूर, इसीलिए तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सफलतापूर्वक सम्मानपूर्वक फ़ोटो खिंचाई और सिमरन भाई ने भी खिंचाई। अब अपन जो है मौज ले रहे हैं मार्केट में, एक गेड़ा मारेंगे, उसके बाद अपने जो है शहर नापेंगे कि आज अपनों ने कितना किलोमीटर घुमाई करी है। ठीक है दोस्तों, फिर इतने ही डीजल फूका है, हाँ फिर उसी हिसाब से हम पापा के आगे और ये अपनी माता के आगे डिमांड रखेंगे, हमें इतने पैसे दो जितना हमने आज तेल फूका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे थे रुद्रपुर, बाबा जो है गांधी पार्क में, मेरे को थोड़ा सा इंदिरा चौक पे काम था इसलिए जो है मैं इंदिरा चौक की तरफ आ गया था, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ बाबे के पास। तो दोस्तों जो है कुछ ही मिनटों में मैं पहुँच जाऊँगा, कुछ ही मिनट क्या, मैं एक या डेढ़ मिनट में पहुँच जाऊँगा गांधी पार्क, गांधी पार्क ही भाई और मेन मार्केट, और ये मैं कटने लगा हूँ गांधी पार्क की, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो है गांधी पार्क पहुंच गया हूं, बाबा मार्केट के अंदर गया, मार्केट के अंदर जो है ना गाड़ी अलाउ नहीं होती है, अब भीड़ भड़ाका वाला क्षेत्र है अंदर मार्केट में, तो अलाउ होती है खाली किच किच से, अच्छा है वो आ ही रहा बाइक पे किसी के साथ, कुछ ही मिनट में पहुंच जाएगा। बाकी ये देखो मेला लगा हुआ है गांधी पार्क में, यहाँ आज हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब आए थे, इधर मार्केट आज लगी नहीं है, सब बंद है। और ये बाबा भी आ गया अंकित के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, कह रहा कि मैं नक्शा ऐसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा अंकित। और अंकित जी आजकल आप बड़े मतलब क्या कहते हैं, आज कमर में हाथ डाल के तुम बहुत कुछ निकाल दे रहे हो वीडियो में, बड़ा खतरनाक रोल चल रहा है भाई तुम्हारा आजकल, तो बिल्कुल हल्के में हाथ रख ही नहीं दे रहे हो, बड़ी की देन है बस। अरे ओ भाई ओ बड़ी मुश्किल से सिमट रही है हमारी, रहन दे तू भाई। मैंने अंकित भाई की रील देखी और भैंस की मुझे, तुमने हाथ डाल के अंदर से यंत्र निकाला है ना जो वीडियो में, कैसे कर लेता अंकित भाई इतना खतरनाक काम, भाई को फॉलो कर रखा है इसलिए। अरे मेरी किसी वीडियो में नहीं है ऐसा, रियल लाइफ में तो है, मेरी 2021 में है बस, क्या कहते हैं वो भी ओरिजिनल लाइसेंस ही है दोनाली, और वो 50 तोला हो जाएगी, ये कोई नहीं हो जाएगा हाल फिलहाल में, जल्दी हो जाएगा, दो वैलिडिटी लगेगी 2 साल, नींद नहीं आती यार, 50 तोला करना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो नींद कैसे जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी करनी पड़ेगी। दोस्तों अपने निकल चुके हैं रुद्रपुर से घर की ओर, अपने रुक गए थे कपड़े वाली मार्केट में, तो अपन ने जो है कपड़े खरीदे रज के क्या खरीदे मतलब कपड़े लिए अपनों ने, भाई ने ट्रैक सूट वगैरह लिया है और अपन को जैकेट वगैरह दिलाई है, और एक अपने भाई ने आज लालपुर में अपने को मतलब एक ट्रैक सूट गिफ्ट किया, वो इसलिए किया 12 नवंबर को हमेशा मेरा बर्थडे आता है, तो वो हमेशा मेरे को एक गिफ्ट देगा, आगे पीछे दे कभी दे देता जरूर है, और मैं बर्थडे में था भी नहीं जा सका, आपको मैंने बता ही रखा था पहले भी। और कहाँ रखे हैं अपने कपड़े, पीछे दिख रहे होंगे, ये दिख रहे, चलो आप देखो ये पीछे रखे हुए हैं, किसी दिन जो है ये हैं भैया अपने आवास विकास में, इनकी शॉप है साई कलेक्शन के नाम से, मैं किसी दिन भैया का जो है आपको वीडियो व्लॉग में एक व्लॉग बनाता हूँ इनकी शॉप का, इनका इनके पास जो है गर्ल्स का आर्टिकल, बॉयज़ का, मतलब ट्रेंडिंग में जो जो चीज़ें चलती हैं सब मिलेगा, और कोई चीज़
1% अगर नहीं मिलती तो आप ऑर्डर देके जो है मंगवा सकते हैं। मैं कई दिन से मेरे से कह भी रहते भैया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा भैया की शॉप का। तो दोस्तों जब बना के एक दिन में डालूंगा, बहुत जल्दी में करता हूँ ये सब चीजें। ठीक है दोस्तों, घर पहुँच के जो है आपको देते हैं अपडेट, कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों अपन पहुंच गए घर, अपने गाड़ी से उतरने लगे हैं। तो ठीक है सर, जय हिंद जय भारत, होती है मुलाकात। अरे वो जैकेट भी तो पहनी थी मैंने आज, मैं तो भूल गया। वो ट्रैक सूट वाली कहाँ रख दी मैंने? अच्छा वो उधर रख दी, ये देना वो वाली जैकेट देना। कोहरे की स्थिति जो है धीरे धीरे हो रही है सेट, कोहरा पैर पसारते हुए अपन जा रहे हैं घर की और दुकान अपनी खुली हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया था घर, पहुंच गया था, बाबा ने मुझे छोड़ दिया था, बाबा निकल गया अपने घर को। घर आते ही सबसे पहले मैंने जो है व्लॉग का अपना अपलोड किया, जो मैंने थंबनेल लगाना रह गया था थंबनेल बना के मैंने जो है अपना नैनीताल का व्लॉग जो है अपलोड किया। अब जो है मैंने थोड़ा खाना वाना खा के फिर करता हूँ सोने की तैयारी। सोने से पहले जो है मैं अपना खाना खा के पहले व्लॉग एडिट करूँगा, कल वाला व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है और आज वाला भी एडिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, खाना वाना खा के व्लॉग एडिट करूँगा, फिर उसके बाद सोऊँगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज का व्लॉग अपना एंड करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो गुड नाइट दोस्तों, शुभरात्रि, शब बखैर, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग? तो बात ये है कि टाइम हो रहा है 11:05, तो सब खाना वाना तो मैंने खा लिया था, रोटी वोटी खा गया जैसा कि मैंने व्लॉग का एंड तो कर दिया था। लेकिन मेरा ना बड़ा मन हुआ मीठा खाने का कुछ, और कैसे भी करके मेरे को बड़ी तलब जैसे लगी कि मतलब कुछ मीठा खाया जाए, और मैंने बड़ा जोमेटो वगैरह करके भी देखा। तो मैंने जो है बहुत करके देखा, सर्च मार के देखा गूगल वूगल पे, तो नहीं मिला कुछ भी। मतलब क्या कहते हैं, एक जगह दिख रहा था सूजी का हलवा, ठीक है वो अपने को खाना नहीं था। तो फिर बड़ा मैंने जोर लगा के देखा, इधर देवेंद्र से बात चल रही थी मेरी, बहुत देर पौना घंटा करीब हो गया था मैं सर्च मारते मारते गया। तो वो कह रहा था मैं हल्द्वानी देखता हूँ, मैंने कहा हल्द्वानी भी देख। तो फिर क्या कहते हैं, वो कह रहा है यार मेरे में तो जोमेटो नहीं चल रहा है ये वो, ना चलो हटाओ। फिर एक ना जहाँ से मैं गाजर का हलवा वगैरह गुलाब जामुन वगैरह लेता हूँ, रुद्रपुर में एक लड़का है तो वो हाथों हाथ मतलब डेली बनाते हैं, एक ठेला टाइप का लगाते हैं वो डेली, मतलब कई चीज़ें उन पर, और एक मतलब दूध वगैरह मिल्क शेक बादाम शेक कई चीज़ें। तो उसको मेरे पास उसका नंबर था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला कहाँ है? कह रहा हाँ जी भैया। तो मैंने बोला शॉप खुली है? कह रहा हाँ भैया बस बंद कर ही रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ खोल के रख। तो कह रहा भैया गाजर का हलवा नहीं है? तो मैंने बोला गाजर का नहीं है कोई बात नहीं, कुछ और क्या है? तो बोला गुलाब जामुन वगैरह है, रबड़ी वगैरह है। मैं चल कोई बात नहीं, गुलाब जामुन वगैरह खाऊंगा मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए जो है मैं भी उठाऊँ और क्या कहते हैं मैं निकला हूँ। बाकी क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था करण का जो भतीजा है उसकी डेथ हो गई है, उसके पिताजी जो है बेंगलोर थे, उन्होंने जो है आना है शायद आगे होंगे अभी, उसको मैंने फ़ोन मारा क्योंकि भीड़ बड़ा का ज़्यादा है, वो भी बेचारा खाली बैठा हुआ था। उसको मैंने फ़ोन मारा, कह रहा मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला खाली है? तो बोला हाँ बैठा हुआ हूँ। कह रहा मैंने बोला चल आ जा फिर, मैं उसको ले रहा हूँ और अपने जा रहे हैं हम सीधा रुद्रपुर खाली गुलाब जामुन खाने। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये खमरिया रोड है, जो मेरी वाली रोड है वो लालपुर वाली रोड है इससे पीछे वाली, और मैं इधर को आ गया हूँ, ये खमरिया रोड है, यहाँ से 10 मीटर आगे रोड है। करण आ गया है, मेरे को लग गई तलब मीठे की, बड़ा मन करा, मैंने खाना ना खाया, मैंने जोमेटो मेटो करके देखा मिला ही नहीं। फिर क्या कहते हैं मैंने फ़ोन मारा वही हिमांशु को, ब्लैक ब्यूटी को, तो फिर मैंने तभी तुझे बुलाया, मैंने बोला मैं करण को लेके अपने जा रहे हैं सीधा, तो खाली उसको रुकवा दिया, गाजर का हलवा तो है नहीं, कह रहा गुलाब जामुन पड़े हैं, कह रहा भैया मैं आपके चक्कर में रुकाऊँ। मैंने बोला हाँ बस मैं पहुँच ही रहा हूँ सीधा। ये देखो दोस्तों 11:08 हो रहे हैं, म्यूज़िक चल नहीं रहा है, अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ, तो अपने जो है रुद्रपुर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं रुद्रपुर,
मेन मार्केट में। मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया है, उस टाइम सजी हुई थी, आज तो बंद है। और ये शॉप वाला है भाई ने लाइट वाइट सब निकाल दी है। गाड़ी की हालत देखो मेरी कितनी गीली हो रही है। अरे नहला धुला के कल खड़ी करी थी मैंने। अरे रात को जो है कहीं पे ही पहुंच जाती है मेरी रानी। क्यों मार रही है साइन नहीं मार रही है बताओ। 4 फरवरी को से 2 साल हो जाएंगे। और ये भाई ने इतना हलवा मेरे लिए बचा के रखा था, कह रहा मैंने वो कर दिया था। और ये जल्दी से पैक कर दे इसे 10। ले करण भाई दोनों इतने है इसके पास हलवा, दोनों भाई खाएंगे। पकड़ तो सही। तो दोस्तों अपने निकल गए हैं रुद्रपुर से, खा पी के हो गए चौक। घर वालों के लिए मैंने गुलाब जामुन पैक करवा लिए हैं, मैंने कराए हैं 12 पीस पैक। दो दो खा लेंगे घर वाले, और मन करेगा तो मुझे जो है दोबारा नहीं आना पड़ेगा रुद्रपुर, इसलिए मैं जो है सीधा ज़्यादा ही करा के पैक कर रहा हूँ। भाई छोटा वाला घर पर है नहीं, घर पर जो है मम्मी पापा एंड सिस्टर एंड मैं हूँ। बस जो है मैं निकल रहा हूँ, जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने घर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अपने 3 पानी कुछ ही मिनटों में अपने घर। तो दोस्तों अपनों ने महिंद्रा से जो है यू टर्न ले लिया है, अब अपने जा रहे हैं घर की ओर। इसी के साथ जो है व्लॉग एंड कर रहा हूं, क्योंकि व्लॉग का एंड तो मैं पहले कर चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझ मीठा खाने का मरा तो आ गया था। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ अगर, जय हिंद, जय भारत।